नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात तारिणे वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यै वचः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे, और उपलक्ष्य पर हरे कृष्ण प्रकल्प द्वारा ये विशेष क्लास कक्षा की आयोजन किया गया है। वास्तविक स्वतंत्रता की ओर, रियल इंडिपेंडेंस क्या है, हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक चर्चा करेंगे आज, और उसके थ्रू ये चर्चा करेंगे कि वास्तविक स्वतंत्रता क्या है। तो ये प्रसंग श्रीमद् भागवतम के 9th कैंटो में आते हैं। भगवान विष्णु और दुर्वासा मुनि के बीच में ये वार्तालाप। इसका बैकग्राउंड इस प्रकार है, जब अम्बरीश महाराज एक महान भक्त थे और अम्बरीश महाराज भगवान के महान भक्त थे, उन्होंने शरीर के सभी अंगों से भगवान की सेवा करते थे। सबोई मनो कृष्ण पादारो बिंदयो, उन्होंने अपने मन से भगवान कृष्ण की चिंतन करते थे। और बसांशी वैकुंठ गुनार नो वर्णने, और अम्बरीश महाराज उन्होंने भगवान विष्णु की महिमा गुणगान करते थे उनके वचन के द्वारा। परो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, और उन्होंने हाथ उन्होंने अपने हाथों के द्वारा भगवान के मंदिर मार्जन करते थे। श्रुतिम चकारा छुतो सब कथा दें, और कान से भगवान कृष्ण की कथा सुनते थे। मुकुंद लिंगालय दर्शन दृश्यो, और आंखों से सिर्फ भगवान कृष्ण के सुंदर रूप दर्शन करते थे। तद्भृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम, और स्पर्श जो है शरीर से भगवान के जो भक्त हैं महान भक्त उनके शरीर स्पर्श करते थे। ग्राणं च तत्पाद सरोज सौरभ, और नाक से सिर्फ भगवान कृष्ण के चरण कमल में अर्पित पुष्प की खुशबू लेते थे। श्रीमद् तुलस्य रसनां तदर्पिते, और उन्होंने जिह्वा से जो भगवान के चरण में तुलसी अर्पण किया जाता था और तुलसी टेस्ट करते थे। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पण, और चरण से भगवान के पवित्र तीर्थ स्थान धाम दर्शन करने जाते थे। शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने, और सिर से उन्होंने भगवान ऋषिकेश भगवान कृष्ण के चरण में झुक के प्रार्थना करते थे। कामंस दत्ते न तु काम कामया जथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति, इस प्रकार से उन्होंने उनके सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते। तो ये महान भक्त थे अम्बरीश महाराज, ये कई बार शास्त्र में उनके बारे में चर्चा होते हैं। तो बहुत बड़े भक्त थे, ऊंचे भक्त थे, कि हमेशा भगवान की सेवा में लग रहते थे, शरीर के सभी अंगों से भगवान की सेवा करते थे। और जब अम्बरीश महाराज एक बार एक महीने के लिए एक व्रत पालन कर रहे थे, उस समय दुर्वस मुनि आए थे उनके 60,000 शिष्यों को लेकर। अम्बरीश महाराज के जो राजमहल में, तो पहले ये नियम था कि जब तक अतिथि सत्कार नहीं करते तब तक गृहस्थ भोजन नहीं करते। ये एक्चुअली वैदिक कल्चर है। प्रभुपाद एक्चुअली ये बताते हैं कि पहले जो गृहस्थ लोग थे वो लोग भोजन करने से पहले हर बार घर के बाहर जाके ऐसे बोलते थे कि बाहर में कोई भूखा तो नहीं है,
जब तक कोई आस पड़ोस में भूखा रहेगा तब तक वो लोग भोजन नहीं करते थे। ये वैदिक कल्चर था, तो इसलिए अतिथि माना जाते हैं। दुर्वासा मुनि भी इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं बता के आ गए अम्बरीश महाराज के महल में अपने सारे शिष्यों को लेकर, इसलिए इनको अतिथि माना जाते हैं। अतिथि का मतलब है अतिथि, जो बिना तिथि बता के आते हैं। ऐसे नहीं आजकल जो व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करके पहले से आते हैं कि हम आ रहे हैं आपके घर पे, लेकिन अतिथि का मतलब क्या है, जो पहले से बिना इंफॉर्मेशन दे के आते वो है अतिथि। हालांकि ये प्रैक्टिकल नहीं इस समय, तो दुर्वासा मुनि ऐसे आ गए। लेकिन अम्बरीश महाराज के 1 महीना जो है, 1 महीना का व्रत ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और ये नियम है जब भी ये कभी उपवास करते हैं, व्रत पालन करते हैं, उसके बाद पारण करना पड़ता है। पारण मतलब उपवास को तोड़ना पड़ता है। तो अम्बरीश महाराज को जब उपवास तोड़ने के समय हो गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक समय पर अगर उपवास को हम नहीं तोड़ते तो उपवास का फल नहीं मिलते, रिजल्ट नहीं मिलते हमें। तो अम्बरीश महाराज 1 महीने तक जो उपवास के उसको विफल हो जाएगा अगर उसी समय उसको नहीं तोड़ते। तो अम्बरीश महाराज आसपास में जो साधु महात्मा लोग थे उनको पूछा अम्बरीश महाराज ने क्या करें। तो उन लोगों ने बताया अम्बरीश महाराज को कि चूंकि अभी ये दुर्वासा मुनि स्नान करने के लिए गए नदी में, तो जब तक वापस नहीं आप नहीं खा सकते, क्योंकि अतिथि के सत्कार के बिना आप भोजन नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ आप अगर ये अन्न भोजन नहीं करते हैं आपका ये जो उपवास भी विफल हो जाएगा। तो एक काम कर सकते, चूंकि आपने निर्जल उपवास किए इसलिए आप थोड़ा सा पानी पी सकते हैं। तो अम्बरीश महाराज ये थोड़ा सा पानी जैसे पीने जा रहे थे, उस समय ये दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ उपस्थित हो जाते वहां पर, और ये दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो जाते, बहुत क्रोधित। और बहुत क्रोधित होकर दुर्वासा मुनि कहते हैं कि तुम बिना अतिथि सत्कार के तुम खुद भोजन कर रहे हो, किस प्रकार के तुम राजा हो, तुम्हारे अंदर ये वैदिक कल्चर संस्कार कुछ नहीं है। तो एक प्रकार से उनको बहुत गुस्सा हो गया। दुर्वासा मुनि क्रोध के लिए प्रसिद्ध थे। ये कई बार ये बताए जाते हैं कि दुर्वासा मतलब जो थोड़ा सा दुर्वा घास उठा के सबको श्राप देते हैं। तो शास्त्रों में ऐसे बहुत जगह में हम देखते हैं, महाभारत में, भगवान कृष्ण के अलग अलग लीलाओं में देखते हैं कि दुर्वासा मुनि ये किस प्रकार क्रोधित थे, श्राप देते थे। तो दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित हो गए, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए, और उनके क्रोध से एक असुर, एक राक्षस का जन्म हो गया। और उनके इतना क्रोध है, क्रोध से वो असुर का जन्म हो गया, वो असुर अग्निदित्य बन गया। उनकी जो क्रोध है, क्रोध से आग जैसे एक असुर बन गया। और वो जो असुर है वो असुर अम्बरीश महाराज को मारने के लिए आ रहा था। और उसी समय अम्बरीश महाराज चूंकि हमेशा भगवान की सेवा करते थे, सभी अंगों के द्वारा भगवान की सेवा करते थे, भगवान की सेवा में लगे रहते थे, अम्बरीश महाराज तुरंत भगवान विष्णु को याद किए, पर भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को रिलीज कर दिया रक्षा करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, भगवान हमेशा सुदर्शन चक्र अपने हाथ में रखते हैं। भगवान विष्णु के ये चार हाथ में चार चार शस्त्र हैं, दो शस्त्र एक्चुअली, गदा और चक्र दो हाथ में, और दो हाथ में शंख और पद्म कमल, शंख चक्र गदा पद्म। तो भगवान हमेशा हाथ में ये रखते हैं, और इसलिए बोलते भगवान के दो हाथ के द्वारा भगवान असुरों को विनाश करते हैं, और दो हाथ के द्वारा भगवान भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के हम कभी भी देखेंगे, भगवान विष्णु इवन विश्राम भी कर रहे हैं तब भी हम देखेंगे भगवान विष्णु हाथ में ये लेके, ये चारों चीज हाथ में रखते हैं हमेशा। लेकिन इसलिए कभी कभार ये प्रश्न आते हैं कि भगवान विष्णु हमेशा क्यों साथ में ये शस्त्र रखते हैं। जैसे जब भगवान विष्णु वैकुंठ में भी रहते हैं तब भी भगवान हाथ में चक्र और गदा रखते हैं। जबकि जबकि वैकुंठ में ये जरूरी नहीं है, जबकि वैकुंठ ये जरूरी नहीं है ये रखने के, फिर भी भगवान हमेशा वैकुंठ में ये रखते हैं, क्योंकि क्योंकि भगवान
कितना भक्त बत्सल, ये बताने के लिए कितना भक्त बत्सल भगवान, कि मेरे भक्त कभी भी अगर किसी कठिनाई में है मैं तुरंत उनको रक्षा करने के लिए पहुंच जाऊंगा, ये सुदर्शन चक्र भेज दूंगा। तो अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए इस प्रकार सुदर्शन चक्र भेज दिया, अम्बरीश महाराज को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र भेज दिया उन्होंने। और तब उस अग्निदैत्य को मारने के पश्चात तो वो सुदर्शन चक्र दुर्वश मुनि के पीछे पीछे भाग रहा है, और दुर्वश मुनि बचने के लिए सबसे पहले ये ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी के पास जब दुर्वश मुनि जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देखो मेरा पास ब्रह्मास्त्र है, मेरा पास ब्रह्मास्त्र है, लेकिन मेरा पास ब्रह्मास्त्र है लेकिन हम आपको ब्रह्मास्त्र से ये जो चक्र है इसको हम कुछ नहीं कर सकते, ब्रह्मास्त्र से भी ये सुदर्शन चक्र काफी शक्तिशाली। इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण हम देखते हैं जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज को वध करने के लिए उत्तरा के गर्भ में ये ब्रह्मास्त्र फेंका अश्वत्थामा ने, उस समय भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र के द्वारा उस ब्रह्मास्त्र को चूर्ण बिचूर्ण कर दिया। इसलिए ब्रह्मास्त्र से भी ये ज्यादा शक्तिशाली। तो ब्रह्मास्त्र के द्वारा सुदर्शन चक्र तो कुछ नहीं किया नहीं जा सकते, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। आप एक काम कर सकते हो, शिव जी के पास जा सकते हो। तो शिव जी के पास गए दुर्वासा मुनि, तो शिव जी से कहते कि आप मुझे रक्षा करो। एक प्रकार से ये दोनों के संबंध भाई जैसे हैं, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो शिव जी कहते हैं कि देखो हमारे पास पशुपद अस्त्र है लेकिन हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका भी एक लीला है कि जब काशी के राजा के साथ भगवान कृष्ण का युद्ध हुआ था। तो उस समय काशी नरेश को शिव जी से ये वरदान मिला कि जब भी तुम्हारी कभी मदद की जरूरत होगा तुम मुझे बुला सकते हो। तो शिव जी भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए चले गए, और उस समय भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र के द्वारा उनके पशुपद को चूर्ण विचरण कर दिए। इसलिए शिव जी भी हम दुर्वश मुनि की वजह हम आपको मदद नहीं कर सकते। एक काम करो, जिन्होंने ये सुदर्शन चक्र को भेजा उनके पास जाओ, जिन्होंने ये सुदर्शन चक्र फेंका उनके पास जाओ, वो विष्णु के पास जाओ। तब दुर्वश मुनि विष्णु के पास वैकुंठ में जाते हैं, और उस समय भगवान विष्णु से कहते हैं भगवान विष्णु गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, अम्बरीश महाराज के चरण में अपराध हो गए, आप मुझे सुदर्शन चक्र से बचाएं। और उस समय तब भगवान विष्णु ये कहते हैं अम्बरीश महाराज से, ये श्लोक कहते हैं भगवान विष्णु अम्बरीश महाराज से, ये कहते हैं कि श्री भगवान उवाच अहम भक्त पराधीन ही अश्वतंत्र नहीं दीज साधुवीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। तब भगवान ये दुर्वासा मुनि से कहते हैं कि हे दुर्वासा मुनि अहम भक्त पराधीन, मैं स्वाधीन नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन हूं, ही अस्वतंत्र इव द्विज। हे ब्राह्मण, हे दुर्वासा मुनि, ही अस्वतंत्र, मैं एक्चुअली अस्वतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, और अस्वतंत्र का मतलब क्या है, डिपेंडेंट। जैसे आज स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, लेकिन अस्वतंत्र मतलब क्या है, जो डिपेंडेंट नहीं है। तो दुर्वासा मुनि से ये बता रहे कि हम अस्वतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है, हम बहुत खुश है कि स्वतंत्रता मिल गई हमें, हम स्वतंत्रता चाहते, इंडिपेंडेंस चाहते। लेकिन भगवान खुद इसमें बता रहे, भगवान कृष्ण खुद बता रहे कि हम नहीं चाहते स्वतंत्रता, हमें तो पराधीन रहने में हमें अच्छा लगते हैं। लेकिन किसके पराधीन, भक्तों के पराधीन। साधु वीर ग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय। और ये बताते हैं कि दुर्वासा मुनि से भगवान कृष्ण, क्योंकि साधु वीर ग्रस्त हृदय,
मेरा जो हृदय है ये, मेरा जो हृदय है ये हृदय असल में कौन कंट्रोल करते हैं? साधु लोग, जो वैष्णव लोग, जो भगवान के भक्त हैं, वो मेरा हृदय कंट्रोल करते हैं। भक्तिर भक्त जनप्रिय, और इसलिए मैं भगवान के भक्त जो है, भक्त के प्रति भगवान डिपेंडेंट रहते हैं और भक्त बहुत ही प्रिय है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट आज के कंटेक्स्ट में, जिसमें भगवान बताते हैं कि अस्वतंत्र और पराधीन, तो ये हमें जानना काफी जरूरी है। स्वतंत्रता और पराधीनता मतलब क्या है? तो डेफिनेटली ये आजादी या स्वतंत्रता काफी जरूरी है। हम किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते इस भौतिक संसार में। सब लोग फ्रीडम चाहते हैं, सबको आजादी चाहिए, सब लोग इंडिपेंडेंस चाहते हैं, कोई डिपेंडेंस नहीं रहना चाहते, ये भौतिक संसार के नेचर। और साथ ही साथ हम सबको कंट्रोल भी करना चाहते हैं, हम किसी को फ्रीडम देना भी नहीं चाहते। तो ये बेसिकली दोनों है, हम हमारे अंडर में जो है हम उनको फ्रीडम नहीं देना चाहते हैं या इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहते हैं, और हम किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते, पराधीन नहीं रहना चाहते। तो स्वतंत्र का मतलब ये है, स्वतंत्र का मतलब है कि खुद का तंत्र, स्व मतलब ओन, सेल्फ माना जाते हैं, और तंत्र मतलब क्या है, जैसे तंत्र मंत्र बोलते हैं ना, तंत्र मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं लॉज, लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन। स्वतंत्र मतलब क्या है, जब किसी जगह में खुद का रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, वो है स्वतंत्र। और परतंत्र मतलब क्या है, जहां पर खुद का रूल्स नहीं चलते हैं, वो है परतंत्र। कि हम किसी पर दूसरे के अधीन में है, वो परतंत्र है। तो हम चाहते स्वतंत्र। तो ये भौतिक संसार में, ये भौतिक संसार में सभी व्यक्ति के नेचर है। क्या नेचर? कि हम नहीं चाहते कि परतंत्र में रहने के लिए, किसी के अधीन रहने के लिए। और इसी कारण एक्चुअली हमें भौतिक संसार में, इस भौतिक संसार में हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम भगवान के अधीन नहीं रहना चाहते थे, इसलिए आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक संसार में हमारा पतन हुआ। तो स्वतंत्र और परतंत्र, तो हम खुद का इच्छा को जब पूर्ति कर सकते तब हम उसको स्वतंत्रता मानते। जब हम कोई हमारे ऊपर इच्छाओं को दबा देते हैं, अपना इच्छा को दबा देते, उसको हम परतंत्र कहते हैं। ये डिफरेंस। लेकिन अगर हम देखते हैं असल में क्या, हम स्वाधीन है या हमें आजादी मिल गई, हम स्वतंत्रता मिल, हम स्वतंत्र हैं, हम इंडिपेंडेंस है रियली। जैसे भारत स्वतंत्र हो गए ब्रिटिश से या मुगलों से, लेकिन फिर भी ये स्वतंत्र नहीं है। आप अगर देखते जियोग्राफिकली, ये आपको वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस के रूल्स के अंडर आपको फॉलो करना है। आपको एशिया एक कंटिनेंट के अंदर, भारत एक देश है, फिर अमेरिका के इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। तो एक प्रकार से आप फुल्ली इंडिपेंडेंस नहीं है, पार्शियली डेफिनेटली इंडिपेंडेंस मिल गए। जैसे भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से इस्कान के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जब मिले थे, तो उस समय भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को ये बताया कि तुम शिक्षित युवक हो, तुम एजुकेटेड युवक हो, तुम क्यों नहीं अंग्रेजी भाषा के माध्यम ये कृष्ण भक्ति प्रचार करते पूरे विश्व में। तो ये प्रभुपाद को जब बात, उस समय ये ब्रिटिशों के साथ युद्ध की तैयारी चल रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये महात्मा गांधी, इन लोग सब तैयारी कर रहे थे। तो उस समय प्रभुपाद ने ये प्रश्न पूछा भक्त सिद्धांत ठाकुर से कि भक्त सिद्धांत ठाकुर, आप ये बता रहे हैं कि इस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहे, इस समय स्वतंत्रता के लिए सब लोग लड़ाई लड़ रहे, उस समय कौन सुनेंगे भगवान कृष्ण के बारे में? तब भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक सिंह पुरुष थे, उन्होंने ये बताया कि देखो ये इस प्रकार आजादी की लड़ाई चलते रहेंगे, और एक हम इस भौतिक संसार में हमें कभी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, लेकिन कृष्ण भावनामृत के प्रचार नहीं रुकना चाहिए किसी चीज के लिए। तो उन्होंने इस चीज को इंपॉर्टेंस दिया। और अल्टीमेटली अगर हम देखते हैं, हम अगर देखते हैं, हम इस भौतिक संसार के नियमों के द्वारा हम कंट्रोल्ड हैं, प्रकृति के नियमों के द्वारा। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं प्रकृति क्रियमानानि गुणै कर्माणि सर्वस्वम्। तो प्रकृति के जो तीन गुणों के वश में है, कंट्रोल में है हम लोग, तो हम एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है।
हम कह सकते हैं हम इंडिपेंडेंट, बट नो वी आर नॉट इंडिपेंडेंट, हम स्वतंत्र नहीं है। हमें प्रकृति के तीनों गुण कंट्रोल कर रहे, सत्व रज तमो, ये तीनों गुण हमें कंट्रोल कर रहे हैं एक्चुअली, प्रकृति के तीनों गुण। तो इसलिए हम कह नहीं सकते हम स्वतंत्र हैं। ये कभी सत्व गुण के द्वारा भागवत गीता में ये श्लोक भी आता है, कभी सत्व गुण भारी हो जाते, कभी रजगुण भारी हो जाते, कभी तमोगुण के द्वारा हम बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते। इसलिए एक प्रकार से हम इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और उसके ऊपर क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, भागवत गीता में कृष्ण कहते हैं अगर कोई व्यक्ति इंडिपेंडेंट स्वतंत्र अपना इच्छाओं को चला सकते अपने लाइफ में, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो बार्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज के जो चक्र है वो कैसे लागू हो सकता है हमारे लाइफ में। इसलिए शास्त्र में ये चैतन्य महाप्रभु के बारे में ये कहते हैं एक कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु या भगवान कृष्ण ही सिर्फ स्वतंत्र है, और इस भौतिक संसार में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि भगवान चाहे तो अपना अपने इच्छा से कुछ भी कर सकते, अपने मर्जी से कुछ कर सकते, लेकिन हम चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। तो भौतिक संसार में हम सब लोग चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। कोई बच्चे अगर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो चाहते हैं कि कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो हमें फ्रीडम मिल जाएंगे परिवार से। कोई अगर परिवार में है तो हम अगर क्लब में चले जाएंगे इंडिपेंडेंट मिल जाएगा। कोई फैमिली में स्कूल चले जाएंगे तो फ्रीडम मिल जाएगा, थोड़ी देर के लिए ऑफिस जाएंगे तो फ्रीडम मिल जाएंगे। तो भौतिक संसार में हम जिस स्थिति में रहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें और अच्छी फैसिलिटीज मिल जाते तो हमें फ्रीडम मिल जाएंगे। लेकिन ये इंडिपेंडेंटली अगर हम इस भौतिक संसार में सुख भोग करना चाहते, उसमें एक्चुअली रियल हैप्पीनेस नहीं है। हम सोचते हैं कि जब हम किसी के अधीन में रहते हैं तब हमें सुख नहीं मिलेगा। बट आध्यात्मिक कंटेक्स्ट में अगर हम देखते हैं, स्पिरिचुअल कंटेक्स्ट में, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते इस भौतिक संसार में, स्वतंत्र रहना चाहते, वो सुखी नहीं हो सकते शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार। शास्त्र में ये बताते बार बार, हमें कभी ना कभी किसी के कंट्रोल में, किसी के अंडर में रहना चाहिए। तो भक्ति, भक्ति में हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम भक्ति में किसी के अंडर में रहेंगे। और भौतिक संसार में हम ये जो भौतिक कल जो जो भौतिक संसार के जो नियम है, तीन गुण है, उसके ऊपर हम जा नहीं सकते। लेकिन हमें फ्रीडम मिल सकते हैं जब हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि भगवान ही सिर्फ इंडिपेंडेंट है भौतिक संसार में, और कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। स्वतंत्र ईश्वर भगवान को कहा जाता है, स्वतंत्र कृष्ण या स्वतंत्र चैतन्य महाप्रभु। जैसे इस भौतिक संसार को शिल प्रभुपाद कहते हैं एक कारागार जैसे, जेल जैसे हैं। तो ये कारागार से हम बाहर नहीं जा सकते। हम मैक्सिमम कहाँ जा सकते, इस कंट्री से और एक कंट्री में जा सकते, उसके बाहर जा सकते हैं, लेकिन इस भौतिक संसार की जो सीमा है उसके बाहर हम नहीं जा सकते। और हम पराधी ने इसका प्रमाण क्या है, जब कोई व्यक्ति जेल में रहते, प्रिजन में रहते हैं, कैदी है, उनको पनिशमेंट मिलते हैं। तो प्रभुपाद इसलिए उदाहरण देते हैं कि हमें भी इस प्रकार इस भौतिक संसार में पनिशमेंट मिल रहे हैं हमेशा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक इस प्रकार। तो हमेशा हमें ये कष्ट मिलते रहते हैं, इसलिए हम कभी इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें कष्ट मिल रहा है इसका मतलब हम पराधीन है। जो स्वाधीन है, जैसे भगवान ये भौतिक तीनों गुण के ऊपर है, ये भगवान के जो भक्ति करते हैं वो उसके ऊपर जा सकते हैं। तो प्रभुपाद उदाहरण से, कोई जेल के अंदर है, जेलर जो है उनको कैद करके रखा है, लेकिन अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से उनका डायरेक्ट नाता है, संबंध संपर्क है, वो उनको कभी भी रिलीज कर सकते प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार रूपी जो कारागार है, इस कारागार को देखभाल करने वाली है दुर्गा देवी। इसलिए इस भौतिक संसार को दुर्ग भी कहा जाता है। दुर्ग मतलब किला है। तो इस भौतिक संसार के बाहर हम जा नहीं सकते। और दुर्गा देवी के हाथ में एक त्रिशूल है, त्रिशूल के द्वारा दुर्गा देवी क्या कर रहे हैं, त्रिशूल के द्वारा दुर्गा देवी, त्रिशूल में तीन है, सत्तर रजत तमो, इस तीनों गुण के द्वारा दुर्गा देवी हमें इस भौतिक संसार में बंद करके रखा है। तो जैसे कोई व्यक्ति इस जेल रूपी इस भौतिक संसार से बाहर जाना चाहते हैं, उस समय दुर्गा देवी उनको कैद करके रखते हैं इस भौतिक संसार में। क्योंकि दुर्गा देवी के ये जॉब है, ये फंक्शन है भगवान देवी, दुर्गा दुर्गा के अंदर बंद कर रखते लोगों। लेकिन अगर प्रेसिडेंट आए तो, किसी देश के प्रेसिडेंट चाहे तो किसी को रिलीज कर सकते हैं। तो ये दुर्गा देवी जेलर जैसे हैं और भगवान कृष्ण प्रेसिडेंट जैसे हैं।
तो भगवान चाहे तो कभी भी किसी को रिलीज कर सकते। तो अगर इस भौतिक संसार रूपी कारागार में बैठ के हम हमेशा भगवान के नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमें आसानी से भगवान उस जेल से बाहर निकाल लेंगे। तो इसलिए रियल फ्रीडम वो है जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करेंगे, जब भगवान की भक्ति करें तभी हमें रियल फ्रीडम मिल सकते हैं। तो जो श्लोक हम चर्चा कर रहे थे जिसमें भगवान बता रहे थे भगवान कृष्ण दुर्वासा मुनि से कि अहम भक्त पराधीन ही अस्वतंत्र नहीं दीजे इव दीजे, कि हे दुर्वासा मुनि हम अस्वतंत्र हैं, हम पराधीन है, भक्तों के अधीन में हैं, हम इंडिपेंडेंट नहीं है। तो भौतिक संसार में हम इंडिपेंडेंट चाहते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं हम डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, किसके भक्त के अधीन में होता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु है, ये दुर्वासा मुनि देखिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं मदद के लिए, शिव जी के पास जाते हैं मदद के लिए, और फाइनली भगवान विष्णु के पास जाते हैं मदद के लिए, ये सुदर्शन चक्र से बचने के लिए। देखो भगवान विष्णु कहाँ रहते, वैकुंठ में रहते हैं, और भगवान विष्णु के पास चले गए ये दुर्वासा मुनि कि आप मुझे बचाएं। और उस समय भगवान विष्णु ये कहते हैं देखो हम आपको बचा नहीं सकते क्योंकि आप हमारे भक्तों के चरण में अपराध किए अम्बरीश महाराज, और हम ऐसे अम्बरीश महाराज जैसे भक्त उनके पराधीन है, वो हमें कंट्रोल करते। यद्यपि भगवान पूरे विश्व को कंट्रोल करते, लेकिन इसमें बता रहे भगवान के बोलते साधुवीर ग्रस्त हृदय, साधुवीर ग्रस्त हृदय मतलब ये जो मेरा जो भक्त है वो मेरे हृदय को कंट्रोल करते। तो ऐसे भक्त के चरण में तुमने अपराध किया हम कैसे तुम्हें बचा सकते। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखिए दुर्वासा मुनि भगवान विष्णु से माफी मांगने के लिए वैकुंठ में गए, और भगवत गीता में कृष्ण ये कहते हैं कि जब गत्यान निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जो व्यक्ति भगवत धाम जाते हैं वो पुनः इस भौतिक संसार में वापस नहीं आते। लेकिन इसमें हम देखते अम्बरीश महाराज वैकुंठ तक पहुंच गए फिर भी उनको वापस आना पड़ा, फिर भी उनको वापस आना पड़ा। क्यों उनको वापस आना पड़ा? क्योंकि वो भक्त के चरण में अपराध किया। तो भगवान के जो भक्त हैं, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, उनको अगर हम कभी दोष देखते निंदा करते तो वो हमें, हम कितने भी उच्च स्थिति में पहुंच जाए हमें वहां से वापस आना ही पड़ेगा। तो इसमें भगवान ये बता रहे कि भक्त अहम भक्त पराधीन, भगवान भक्त के पराधीन रहते हैं, भक्त के अधीन में रहते हैं, भक्त के द्वारा पराधीन रहते हैं, और इसमें भगवान सुख अनुभव करते हैं। जैसे क्लासिकल एग्जांपल है भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध के समय भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बन गए। अब देखिए अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, सारथी मतलब क्या है? सारथी मतलब इस प्रकार है ड्राइवर जैसे, कि जो पैसेंजर है वो जो बताएंगे वो करना पड़ेगा, कि आपको अब इधर चलो इधर जाओ, इधर मोड़ो इस मोड़ में जाओ, इधर रुक जाओ। तो ये एक प्रकार से भगवान अर्जुन के रथ के ड्राइवर बन गए, क्योंकि वो भक्त वत्सल है, भक्त के पराधीन है, अर्जुन के भक्त के नाते भगवान भक्त वत्सलता के कारण उनके ड्राइवर सारथी बन गए। इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से बताते भक्तो उसी में सखाते थे, क्योंकि अर्जुन भगवान कृष्ण के महान भक्त। प्रभुपाद एक जगह में लिखते हैं कि जो मायावादी लोग हैं, मायावादी लोग क्या करते हैं, वो लोग भगवान के बराबर बनना चाहते हैं। जैसे जो मायावादी सन्यासी लोग आप वाराणसी वगैरह में काशी अलग अलग साउथ इंडिया में जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि नमो नारायण आया, वो लोग एक दूसरे को देखने से संबोधन क्या करते हैं नमो नारायण, कि आप नारायण बन गए हो अभी, आप मतलब अभी भगवान बन गए। तो प्रभुपाद एक बार प्रवचन दे रहे थे, शिल प्रभुपाद वो कह रहे थे ये लोग कितना मूर्ख है, भौतिक संसार में वो भगवान बनना चाहते हैं, लोग भगवान बनना चाहते लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान क्यों बने, भगवान से बड़ा बन सकते हैं। जैसे अर्जुन जो है भक्ति के द्वारा भगवान से बड़े बन गए, भगवान के बड़े पोस्ट में भगवान उनके रथ का सारथी बन गए। यद्यपि प्रभुपाद उस प्रवचन में आए लास्ट में ये भी बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि अर्जुन ये डिमांड कर रहे भगवान आपको मेरे रथ के चालक बनना है, मैं जो कहूंगा आपको पालन करना है, ऐसे नहीं।
भगवान आप कृपा करके मेरे रथ के सारथी बन गए, तो अभी आप मुझे जैसे चलाएंगे हम ऐसे चलेंगे। तो ऐसे शास्त्र में हजारों उदाहरण है भगवान किस प्रकार भक्त के अधीन हो जाते, भक्त जैसे चलाते ऐसे। कृष्ण लीला में हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण किस प्रकार नंद महाराज जब भगवान कृष्ण से बताते कि कृष्ण तुम मेरे चप्पल लेके आओ, भगवान को सोच सकते भगवान कृष्ण जो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, उन्होंने नंद महाराज के नंद बाबा के चप्पल उनके सिर पर रखे लेके आते कि पिताजी हम चप्पल लेके आए। तो ये भक्ति के द्वारा भगवान भक्तों के अधीन हो जाते। तो जिस भक्त के अंदर जितना भक्ति है, जितना ज्यादा भक्ति है, भगवान उनके अधीन हो जाते। इसलिए दामोदर अष्टक में लिखते हैं भक्तोर जितत्तम पुनः प्रेमतस्तम शताब्दी वंदे, कि भगवान को ज्ञान और भगवान को कर्म के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं, भगवान का सिर्फ भक्ति के द्वारा समझ सकते हैं। भक्ता हम अभिजानाति, और इस भक्तेर जितत्तम भक्ति के द्वारा भगवान को हम अपने अधीन में लिखा सकते, कंट्रोल में। यद्यपि भक्त नहीं चाहते फिर भी भगवान खुद कंट्रोल में आ जाते भक्तों भक्ति के द्वारा। तो ये भगवान की स्पेशलिटी है, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो भक्त भी इस प्रकार इंडिपेंडेंस नहीं चाहते। इस भौतिक संसार में सब लोग इंडिपेंडेंट सुख भोग करना चाहते, लेकिन भगवान के जो भक्त है वो चाहते नहीं, हम कभी इंडिपेंडेंस नहीं रहे, हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, हमें आजादी नहीं चाहिए, हम तो भगवान या भगवान के जो भक्त है उनके कंट्रोल में रहना चाहते, भगवान या भगवान के जो भक्त है उनके कंट्रोल में रहना चाहते। ये भगवान के भक्तों के नेचर है। जैसे कोई बच्चा अपने बड़ा होने के बाद शादी करने के बाद हो सकते अपने पिता माता के साथ रह सकते हैं, या पिता माता से अलग होकर अलग घर पे रह सकते, जैसे आजकल देखते हैं शादी करने के बाद पिता माता से अलग हो जाते। तो वो बच्चा अगर चाहते हैं पिता माता को लेके भी एंजॉय कर सकते हैं और अलग से भी फ्रीडम के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्रीडम के साथ एंजॉय करना चाहते तो उनको कष्ट मिलेगा, लेकिन अगर परिवार के साथ फैमिली को लेके एंजॉय करे तो देन ही विल बिकम हैप्पी। तो उसी प्रकार इस भौतिक संसार में अगर हम चाहते हम इंडिपेंडेंटली हम फ्रीडम के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम अगर चाहते हैं भगवान कृष्ण के अंडर में रह के भी हम एंजॉय कर सकते, तो इंडिपेंडेंस में रियल हैप्पीनेस नहीं, डिपेंडेंस में रियल हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स हमें भौतिक संसार में हम ये नहीं बोल सकते, एक देश में स्वतंत्रता चाहिए, आजादी चाहिए, लेकिन हमें अल्टीमेटली हम जितना फ्रीडम इंडिपेंडेंस मिलेगा, हम अपना जो फ्री विल है, जो फ्री इच्छा है, हमारा स्वतंत्र इच्छा है, उसका गलत इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां हैं इंद्रिया कंट्रोल नहीं है। इसलिए भक्ति का परिभाषा ऐसे लिखते शास्त्र में, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति का मतलब क्या है, हमारे इंद्रियों के द्वारा भगवान कृष्ण जो इंद्रियों के स्वामी, जो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं उनकी सेवा करना, ये है भक्ति। तो जब हम भगवान कृष्ण की सेवा में हमारे इंद्रियों को लगाते तभी रियल एक्चुअली हमें एंजॉयमेंट मिलते हैं, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंस के साथ एंजॉय करते देन हमें एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, रियल एंजॉयमेंट। तो रियल हैप्पीनेस डिपेंडेंस में मिलते हैं, इंडिपेंडेंस में नहीं। रियल हैप्पीनेस हमें फ्रीडम में नहीं मिलते, हम जब डिपेंडेंट होते हैं तभी हमें रियल हैप्पीनेस मिलते हैं। तो भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं कि दुर्वासा मुनि से कि किस प्रकार भक्त भक्त जनप्रिय भगवान एक प्रकार से दिख जाते अपने भक्त के द्वारा, अपने भक्तों के कंट्रोल में आ जाते भगवान भक्ति के द्वारा। आज बहुत सारे उदाहरण है शास्त्र में किस प्रकार भगवान अपने भक्त के कंट्रोल में आ गए। हमने अर्जुन का उदाहरण देखा, यशोदा, नंद महाराज, इवन हम वृंदावन लीला में देखते हैं भगवान कृष्ण जो है उनके कांधों के ऊपर, उनके कंधे के ऊपर उनके जो मित्र है सखा लोग, वो लोग चढ़ जाते जब भगवान कृष्ण कभी खेलते हैं उनके साथ। ऐसे नियम था कि इस खेल में जो दौड़ में जो रस्से खींचेंगे उसमें कोई अगर हार जाते हैं तो जो हार जाएगा उनको बाकी जो खेलते हैं उनको अपने कंधे के ऊपर चढ़ा के उनको घुमाना पड़ेगा, और भगवान कृष्ण हार गए और उनके जबरदस्ती भगवान कृष्ण उठाना नहीं चाह रहे थे, भगवान कृष्ण के जो सखा थे
लोग जबरदस्ती भगवान कृष्ण के कंधे के ऊपर चढ़ के उनको बोले कृष्ण तुम्हें यहाँ भी घुमाना पड़ेगा। आप ये सोच सकते हैं, हमारे गुरु महाराज बताते थे कि मंदिर में जो भगवान के विग्रह है, भगवान कृष्ण की जो मूर्तियां, कोई ऐसी हिम्मत करेगा भगवान कृष्ण की मूर्ति के ऊपर खड़ा होके भगवान कृष्ण को इतना साहस करेगा कोई नहीं। लेकिन भगवान कृष्ण वृंदावन में ऐसे करते थे, उनके सखा जो मित्र लोग उनके कंधे के ऊपर चढ़ जाते थे। तो ऐसे क्यों? क्योंकि भगवान भक्त के कंट्रोल में आ जाते, भगवान भक्त के अधीन हो जाते। इसलिए ये बताते हैं कि ये जो बता रहे इसमें साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जनप्रिय, कि भक्त भगवान के हृदय को हरण कर लेते, कंट्रोल करते भगवान भक्त। इसलिए ये बताते कि भगवान के जो भक्त है वो भक्त के हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहना मोरो वैष्णव पराम। तो भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं हमेशा और भक्त भगवान के हृदय में हमेशा रहते हैं, ये एक दूसरे से अलग नहीं होते। यद्यपि भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में है, लेकिन भगवान रूप में नहीं है। ये भगवान के तीन फीचर्स हैं, भगवान परमात्मा, भगवान परमात्मा और ब्रह्म ज्योति। ये तीन रूप में भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है भगवान रूप में। तो भगवान के जो सबसे श्रेष्ठ भगवान रूप में, वो भगवान सिर्फ भक्त के हृदय में रहते हैं। और भौतिक संसार में जितने लोग हैं उनके हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में इनेक्टिव रहते हैं भगवान। इसीलिए लोग कभी कभी प्रश्न पूछते हैं, हम गलत काम करते हैं भगवान माना क्यों नहीं करते? भगवान माना नहीं करते भगवान, क्योंकि हम फ्रीडम चाहते थे, हम इंडिपेंडेंस चाहते थे भगवान से, इसलिए हम इस भौतिक संसार में आए। हम चाहते थे कि भगवान हस्तक्षेप ना करें और जो एक्टिविटीज में, इसलिए हम इस भौतिक संसार में इंडिपेंडेंट सुख भोग कर रहे हैं। इसलिए हम गलत भी करते भगवान रुकते नहीं, लेकिन जो भगवान के जो भक्त है, जो फ्रीडम नहीं चाहते थे, इंडिपेंडेंस नहीं चाहते थे, जो भगवान के अधीन में रहते, भगवान के डिपेंडेंट रहते, वो अगर कुछ गलत काम करने जाते भगवान उनको रोकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान सिर्फ भगवान के भक्तों को ही बुद्धि देते, बाकी भौतिक संसार में जो लोग हैं जो भगवान कृष्ण के चरण में शरण नहीं ले, उनको इस प्रकार बुद्धि नहीं देते। तो इसलिए इसमें भगवान बता रहे भक्त के पराधीन हो जाते भगवान, और इसलिए भगवान सब कुछ देते। भौतिक संसार में हम जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान हमें सब कुछ दे देते हैं। भगवान हमें धन संपत्ति चाहते भगवान वो देते, भगवान हमें फॉलोअर्स देते थे, भगवान के पास हम जो कुछ मांगते भगवान दे देते। कितने प्रसिद्ध मंदिर है इंडिया में, सब लोग जाके कुछ ना कुछ मांगते हैं भगवान। लेकिन शास्त्र में ऐसे बताते हैं, जब हम भक्ति मांगते हैं भगवान से, तब भक्ति जब देने की बारी आते तब भगवान थोड़ा कंजूसी करते, भगवान उतना आसानी से भक्ति नहीं देते। क्योंकि भगवान जानते हैं कि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कंट्रोल में आ जाते, भगवान भक्त के पराधीन हो जाते। इसीलिए जब भक्ति देते हैं तो भगवान क्या करते, भगवान काफी स्ट्रिक्ट हो जाते, भगवान आसानी से भक्ति नहीं देते। लेकिन जो भक्त सिंसियर, जो भगवान की कृपा चाहते हैं, जो सिंसियरली भक्ति करते, भगवान उनके अधीन हो ही जाते हैं। इसलिए जब हम सिंसियरली भौतिक संसार की जो इंडिपेंडेंटली हमारे जो फ्री विल है, फ्री इच्छा है, स्वतंत्र इच्छा है, उसके द्वारा अगर हम उसको गलत इस्तेमाल नहीं करके भगवान की सेवा करने के लिए हम तत्पर हो जाएंगे, तब जाके भगवान हमें ये इस प्रकार सही बुद्धि देंगे और तभी हमें रियल हैप्पीनेस मिल सकती। देखिए, हम अलग से एंजॉयमेंट करेंगे उसमें हमें रियल हैप्पीनेस नहीं मिल सकती, लेकिन अगर भगवान के अंडर में रहते हैं हम, अगर कोई बोल सकते हैं, एक बच्चा बोल सकते कि हम हर महीने में जॉब करने के बाद जो हमें सैलरी मिलते हैं पिताजी सैलरी ले जाते हैं, तो वो सोच सकते कि हम हर महीने में जॉब करते हैं, सैलरी पिताजी ले जाते, क्या फायदा है? हम खुद अलग से फ्रीडम के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हम अलग से एंजॉय कर सकते हैं, ऐसे कोई बोल सकते हैं। लेकिन वो पिताजी को जो पैसा देता अल्टीमेटली क्या होता, वो पैसा पिताजी बच्चों के लिए रखते, उस बच्चे को बाद में पता चला पिताजी इतना दिन से जो सैलरी मिला उसको जमा के रखा
और जमा के रखने के बाद पिताजी ने किया कि उनके लिए बहुत बड़ा एक गाड़ी खरीद किया, बहुत सुंदर एक गाड़ी खरीद किया। तो उसी प्रकार अगर हम भगवान की एंजॉयमेंट के लिए भगवान के डिपेंडेंट रह के भक्ति करते हैं तो हमें भी भगवान एक दिन रिवॉर्ड देंगे, हमें भी भगवान एक दिन रिवॉर्ड देंगे। तो भगवान को भक्ति के द्वारा हम जीत सकते हैं। तदी शितव्येषु भक्तोर जितत्वम्, कि ये जो दामोदर अष्टकम में हम देखते हैं उसमें भगवान कृष्ण माँ यशोदा भगवान कृष्ण के रस्सी से बांधा, और उसमें ये लिखते हैं कि भगवान को असल में रस्सी से नहीं बांधा, भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता, लेकिन भक्तोर जितत्वम, उन्होंने भक्ति के भक्ति बद्धम भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवान को बांधा एक्चुअली। तो भगवान को भक्ति के द्वारा हम बन सकते हैं, और ये भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो इस लीला में हम लोग देखते हैं अम्बरीश महाराज के चरण में ये अपराध के दुर्वासा मैंने, इसलिए सुदर्शन चक्र से भगवान विष्णु जिन्होंने सुदर्शन चक्र फेंका उन्होंने खुद बचा नहीं पा रहे, उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फिर वापस जाना है अम्बरीश महाराज के पास क्षमा मांगना है, अम्बरीश महाराज अगर क्षमा कर देते हैं तब ये सुदर्शन चक्र से आप बच सकते। तो ये दुर्वासा मुनि वापस आए, अम्बरीश महाराज से क्षमा मांगे, तब जाके सुदर्शन चक्र शांत होता। तो इस लीला के द्वारा भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं किस प्रकार भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्त के अधीन रहना पसंद करते, और हम इस भौतिक संसार में साधारण जीव हो के हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, ये तो संभव ही नहीं है, जबकि भगवान खुद ही फ्रीडम नहीं चाहते हैं। तो हमें हमेशा भगवान के अधीन रहना चाहिए, और भगवान के जो भक्त हैं उनके अधीन में रहना चाहिए, उनके हमें इंडिपेंडेंटली इस भौतिक संसार में सुख भोग करने के प्रयास नहीं करना चाहिए। भौतिक संसार में हम जितना सुख भोग करने के प्रयास करेंगे भगवान को छोड़ के हमें उतना ही दुख मिलेगा, ये भौतिक संसार के नियम है। लेकिन भगवान को साथ में रख के अगर हम सुख भोग करते तो हमें हमेशा सुख मिलेगा। और देखिए ये शिला प्रभुपाद जी ने हमें ये भक्ति मार्ग किस प्रकार हम जॉयफुली अपना सकते ये हमें शिक्षा दी है। तो ये सुसुखम भक्ति के जो मार्ग है, सुसुखम कर तुम अभयम, और ये कठिन मार्ग नहीं है, भगवान के साथ में रख के अगर हम एंजॉय करते हमें दोगुना सुख मिलेगा इस भौतिक संसार में। और ये शिल प्रभुपाद ने शिक्षा के उनके आप शिक्षा के माध्यम हमें सिखाया किस प्रकार भगवान को की भक्ति करने से हमें रियल हैप्पीनेस मिल सकती है, भगवान के प्रति डिपेंडेंट रहने से, शरण लेने से हमें हैप्पीनेस मिल सकती है। पूरे विश्व में अभी हजारों लोग, करोड़ों लोग, मिलियन बिलियंस लोग ये भगवान कृष्ण के शरण में आए और उनको ये रियल हैप्पीनेस मिल रहे हैं। तो रियल हैप्पीनेस लाइज इन डिपेंडेंट, नॉट इन इंडिपेंडेंट, जो भगवान के अधीन में हमें रहना चाहिए या भगवान के भक्त में के अधीन में, तभी हमें रियल हैप्पीनेस मिल सकता है। और कलि युग में सबसे आसान तरीका चैतन्य महाप्रभु ने दिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के द्वारा हम हमेशा ये महसूस करेंगे कि हम भगवान के अधीन है और भगवान हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की, जय गौर प्रणाम दे, हरे हरे बोल।